मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के बजाय मोहन यादव को चुने जाने के बीच सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हो रही है। लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान तो चलो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अपने दुख को शांत करने के लिए ढूंढकर बहुत से कारण वो अपने आप के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इसीलिए ही आए थे, वो अब क्या करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और सोशल मीडिया के यूजर्स ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें शेयर करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को चुना गया है और 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। लेकिन इन सब बड़े बड़े पदाधिकारियों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश की सरकार में कहीं नाम तक नहीं है। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाक भी बनाया जा रहा है। एक यूजर ने कहा, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो वो मुख्यमंत्री के अलावा और कोई पद पर राजी होने को तैयार नहीं थे। वो 9 बार सांसद रह चुके कमलनाथ के खिलाफ ही कांग्रेस में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब बीजेपी में उनके सामने एक गुमनाम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन सिंधिया की चुप्पी मजाकिया है और वो मोहन यादव को बधाई भी दे रहे हैं। दिनेश पुरोहित कहते हैं, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार तो महाशय थे, आखिर खेला कैसे हो गया। कांग्रेस में थे तब तो इनको मुख्यमंत्री से कम कोई पद मंजूर ही नहीं था। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, सिंधिया जी रह गए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बन गए। मनीष सिंह ने बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल की ओर इशारा करते हुए लालकृष्ण आडवाणी की तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भविष्य को देखते हुए वर्तमान की भूतकाल की तस्वीर। बाबा लपेटू नाथ नाम के पैरोडी यूजर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा, तुम पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने के लिए ही हो, कम से कम मुझे डिप्टी सीएम ही बना देते, कब तक मैं उड्डयन मंत्री के तौर पर उड़ता रहूंगा। कहीं के ना रहे, कौन हारे कोई जीते, लेकिन ये परमानेंट लूजर है। दिस गाय इज द बिगेस्ट लूजर ऑफ द डे। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।